उिमिन बसमेम टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद इन ऑन बी टी वी नाजरीन पिछली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इमोशनल इंटेलिजेंस को और इसकी अहमियत के बारे में हमने बात करते हुए आप लोगों को बताया था कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेस जो हासिल करना चाहते हैं उसका 85 फाइव परसेंट इनसार इमोशनली इंटेलिजेंट होने के ऊपर है जो लोग कामयाब होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं इसके अलावा इसका जो वन लाइनर हमने इसकी अहमियत के बाद डिस्कस किया था कि आप अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं ना कि आपके जज्बात जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा खुशी और इस तरह के दूसरे जो जज्बात हैं वो आपको कंट्रोल करना जब स्टार्ट कर देते हैं तो तब आपके लिए लाइफ में जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाती है आज प्रैक्टिकल टूल्स के लिए सबाउद्दीन वक़ार और ज़ैन बिन ख़्याला से हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपना कर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं कामयाबी के जो जीना है उसको ज़्यादा आसानी से तय कर सकते हैं तो जैन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकलिटी की बात करते हुए हाउ को आज हम डिस्कस करेंगे हाउ को ड्रेस करेंगे

इट्स नॉट अ सिंगल क्वालिटी यस इट्स अ रेंज ऑफ क्वालिटीज सो इसके दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ पहला एस्पेक्ट है इसका मैनेजिंग योर सेल्फ ठीक यानी मैं अपने आप को मैनेज करूँ उसकी फिर uh, मजीद डिटेल्स है दूसरा एस्पेक्ट ये कि जब आई हैव लर्न टू मैनेज माई सेल्फ तो फिर मैं ये सीखूँ कि मैंने लोगों से कैसे डील करना है कैसे मैंने इफेक्टिवली अच्छी रीलिंग करनी लोगों से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनानी ये सारी चीजें ये दूसरा एस्पेक्ट इसका आता है तो आज की जो एपिसोड है उसमें इनशाला वील बी फोकसिंग ऑन द सेल्फ पार्ट yes. अपने आप को कैसे मैनेज करना <coughs> तो उसके ऊपर आज इनशाला हम फोकस करेंगे उसी ऊपर बात करेंगे कि उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं पहला स्टेप ये है कि अपने आप को जानना सेल्फ अवेयरनेस यानी मुझे पता चले कि मुझे गुस्सा आ रहा है तभी तो मैं उसको कंट्रोल कर सकूंगा और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे पता ही नहीं है कि मैं सैड हूँ क्यों हूं तो मैं उसको कंट्रोल कैसे करूंगा उसको ओवरकम कैसे करूंगा तो पहला जो बुनियाद है जो फंडामेंटल है जो जड़ है जी। जो रूट है इसकी वो है सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ से अवेयरनेस होगी तो बाकी चीजें आएंगी सेल्फ अवेयरनेस से होगी तो सेल्फ कंट्रोल होगा उसके बाद बाकी लोगों से डील करना तो आज हम सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट इसके ऊपर बात करेंगे सर सर जी तो आपने बताया कि ये सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है बल्कि ये बहुत सारी क्वालिटीज का एक मजमुआ है yes. लेकिन एक स्टेप बाई स्टेप इनमें चीज़ें की जा सकती जो इसकी जो बड़ी डोमेन है जिसको हम आज के एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं सुबह वक़ार ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ख़ुद को जानना खुद आगही और हम ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में कर जाते हैं कि हम अपने आप को गलत होते हुए भी का सही समझ रहे होते हैं और बाज़ इमोशंस को अपने अपनी ताकत बता रहे होते हैं जैसे बाज़ लोग कहते हैं अपनी रिम्बर्ड आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है सो इट्स नॉट गुस्सा करना है कितना गुस्सा करना है, so, मैं चाहूंगा इसमें सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा <laughs> जी। और मेरा क्वेश्चन है ऑडियंस से भी मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ अभी इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं सैड हैप्पी जॉयफुल एक्साइटेड डिप्रेस्ड अगर आप सैड फील कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हो सकता है सैड फील कर रहे हो हो आपको घर से डांट पड़ गई या फिर आज का आते हैं वो अच्छे ना आए हो तो ये सारी चीजें जब आपको बताते हैं आपको सैड फील हो रहा है और क्यों हो रहा है तो ये सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती है जब आपने इसको जान लिया कि मेरे साथ ये फीलिंग्स चल रही हैं और इसकी वजुहत क्या हैं तो आप सेल्फ अवेयरनेस के पहले स्टेप में दाखिल हो जाते हैं तो यही इसका एक सिंपल यानी आपने अपने जो जानने का अमल है कि जब आपके जो इमोशंस हैं

ये सारे ट्रिगर कर रहे हैं उसकी वजुहत जब आप जान लेते हैं तो ये सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती जी और कोई खास सिचुएशन भी ऐसी होती है जिसमें लोग अपने आप को अनइजी फील करते हैं या उसमें वो बात ऐसा होता है कि आप किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं या आप किसी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं और फैमिली मेंबर्स आपके नेगेटिव बातें करते जा रहे हैं तो उसमें सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपका ना जो फीलिंग्स uh, हैं वो नेगेटिव साइड पे चली जाती है लेकिन है। आपने इसको जैसे ही आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ट्रिगर हो गई ये चीज तो आपने आइडेंटिफाई करने के बाद अपने आप से ये मैसेज सेंस करना है कि मैं इस इस लूप में जा रहा हूँ इस जगह पे जा रहा हूँ और मैंने इससे निकलना है मैंने इमोशनली स्ट्रांग रहना है मैंने उसके साथ रहना है और वहां से कोई ना कोई चीज निकालनी है एग्जैक्टली exactly, मर्ज की तशखीस बहुत जरूरी है, है। अगर उसकी तश्स हो जाएगी तो उसका इलाज भी मुमकिन है जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप बड़ी आसानी से उस चीज को एड्रेस भी कर सकेंगे अपने उस इमोशन को एंड हाउ समवन कैन बिकम अवेयरनेस के बाद कैसे वो हो इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए जैसे मैंने पहले कहा फैसल के सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है जी ऐसे आपको है। पता चले और मेरे खाले बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया yes. कैसे सेल्फ अवेयरनेस yes. आती yes. है uh, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ uh, मैं फ्यू ईयर्स बैक काफी अर्सा पहले मैं जब वैन आई यूज टू गो ऑन ट्रिप्स फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ और जब रात को वापस आते थे तो एट द एंड ऑफ द ट्रिप मुझे डिप्रेशन होती थी मुझे सैडनेस फील होती थी और आई यूफ टू वंडर कि यार ये क्या वजह है मुझे ये सैडनेस क्यों फील होती है मैं क्यों हमेशा ट्रिप के एंड पे साथ? अच्छा फिर मैं अपने आप को तसली देने के लिए जवाब तलाश करने के लिए मैं फजूल फजूल जवाब तलाश करता था अच्छा शायद शायद ऐसा हुआ कि शायद वो किसी का मजाक उड़ाते थे सारे तो इसकी वजह से मुझे अब सैडनेस फील हो रही है या शायद कोई एट द एंड ऑफ द डे कोई इवेंट अच्छा नहीं हुआ इसकी वजह से मुझे सैडनेस हो रही है लेकिन ये सारे जवाब मुझे मुझेफाई नहीं करते थे मैं मैंफाई नहीं होता था जवाब से लेटर ऑन जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी और थोड़ा आई केम टू रिलीजन और मैंने अल्लाह ताला से कनेक्शन डेवलप किया और इस तरफ में आया तो मुझे फील हुआ कि इंसान हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम दो दो बीइंग्स हैं बिल्कुल एक मेरा जिस्मानी वजूद है ये फिजिकल बीइंग है ठीक yes. है ये यहीं से आया इसी ज़मीन से आया इसी मिट्टी से बना है इसकी खुराक भी यहीं से है तो यही फल सब्जियां मैं खाऊंगा ये फन करूंगा ये मेरी जिस्म की खुराक है ये मेरे फिजिकल बीग की खुराक है इसी तरह मेरा एक स्परिचुलग है वो रू आसमान से आई है उसकी गजा भी आसमान से आती है सो so, होता क्या है कि जब मैं इंटरेस्ट में होता था तो मेरी बॉडी तो फील हो रही होती थी मैं फ़न कर रहा हूँ मैं खा पी रहा हूँ हम गुला गुल्ला कर रहे हैं लेकिन ना पता नमाज का ना पता कि अज़ान हो रही है तो वो उसकी आवाज़ भी बुरी लग रही है गाने चल रहे हैं पीछे इस स्टेज पे आप होते हैं तो लेटर ऑन जब मेरा कनेक्शन बना तो आई रियलाइज कि मुझे इसकी गजा तो मिल रही थी बॉडी की गजा लेकिन रूह की गजा नहीं मिल रही थी जब उसको गजा नहीं मिल रही थी तो वो बोल रही थी वो चीख रही थी वो तड़प रही थी और एज अ रिजल्ट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड आई वॉज डिप्रेस्ड पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ

Hmm. क्या मतलब है इसका मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पता है आपको नहीं पता बिल्कुल जो मुझे पता है, किसी और को नहीं पता लेकिन मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीजें hmm. ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता अल्लाह hmm. ताला कहता है कि मुझे वो भी पता है सो so, ये नहीं अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहे हैं वॉट ही इज ट्राइंग टू से आप

So, I, मैंने पहली दफा कुरान में आयत पढ़ी इंसान hmm. कमजोर पैदा हुआ मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूं अब मुझे कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी अपने आप को बेहतर करने के लिए ठीक अच्छा खोल कल इंसान hmm. इंसान जल्दबाज पैदा हुआ अच्छा इसका मतलब है अच्छा 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 क्योंकि मैं मेरे अंदर ये चीज शामिल है इसीलिए मैं बड़ा मैं इंपल्सिवली रिएक्ट करता हूँ मैं इम्पलसिवली रिएक्ट इसलिए करता हूँ फॉरन से मैं किसी को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ बाद में सोचता हूँ यार तो मैं अगर थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेता तो मेरा रिस्पॉन्स बेहतर हो सकता था ये सारी चीजें अब ये मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे ये सारी चीजें समझ आ रही हैं अच्छा यार ये ऐसे होता है ऐसे होता है फिर मैंने पढ़ा आगे जाके इन्ना हु ना जहूला इंसान जो है वो ज़ालिम है और बड़ा जाहिल है जाहिल का मतलब अभी है कि वो बंदा जो बोलने से पहले सोचता नहीं है और बस बोल देता है मैंने कहा अच्छा 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 तभी कई दफा ऐसा होता है कि मैं बोल बोल के बाद सोचता हूं। ये तो मैंने गलत दिया अब ये सारी चीजें मेरे ऊपर अनरेवल हो रही है लेकिन फिर चलते 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 मैंने आगे पढ़ा औलकद करना करम ना बनी आदम हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी एक जगह फिर अल्लाह ताला तहते हैं कि मैं जब इसके अंदर अपनी रूह फूक दूं तो इसको सजदा करो एक ये मकाम भी है कि फरिश्तों को कहा जा रहा है कि इंसान को सजदा करो

emotionally unintelligent they are unintelligent unintelligent yes. क्यों? क्योंकि emotional intelligent बनना मुश्किल है oh. ये सारी चीजें मेरी नेचर में रखी गई हैं hmm. मैं इंपल्सिव होना मेरी नेचर में रखा गया है कमजोर होना मेरी नेचर में रखा गया है चाहिल hmm. यानी कि फौरन से बात कर देना बगैर सोचे समझे मेरी नेचर में रखा गया है इसको ओवरकम करने के लिए मुझे कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी सही सो so, अब ये सारी चीजें <coughs> मुझे uh, यानी बेसिकली इससे चीज़ें निकलती हैं कि फिर आगे फोकस कैसे बढ़ता है वो फिर आगे रीज़न जो कनेक्शन आपने जोड़ा है जिस जहाँ से बात आपने स्टार्ट की सेल्फ़ अवेयरनेस से और फिज़िकल बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग जो कनेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी अहमियत और वजीत कुरान पाक की रोशनी में भी हमारे सामने है नाजरीन अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस होने के जो दूसरे मराल हैं हाउ कैन यू डू डैट जो मजीद प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे अभी चलते हैं ब्रेक पे ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं थैंक यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो एक तो फिजिकल बीइंग आप उनको एड्रेस कर सकते बस उसके साथ साथ आप अपने जो स्पिरिचुअल फ्रॉम द क्रिएटर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ स्काई आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा सुबह दिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो साइंस हैं हमारे पास बींग इमोशनली इंटेलिजेंट वो क्या क्या हो सकते हैं साइंस ये हो सकते हैं कि जैसे एक ना एक, एक शख्स है जो अपना बिजनेस क्रिएट कर रहा है या इसके अलावा कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश क्रिएटर है एक ठीक है थिंकर है और वो इस क्रिएशन में अपना बिजनेस बिल्ड करने में स्टेब्लिश करने में कई दफा फेल होता है और कई दफा डिप्रेस होता है कई दफा सैडनेस आती है उसे और वो सैडनेस उसे ओवरकम नहीं करती और वो वो जो उसे एक डिप्रेशन आता है वो ओवरकम नहीं करती और वो मजीद उसमें लगा रहता है अपनी दगोदों में लगा रहता है अपने गोल्स के पीछे लगा रहता है तो वो एक साइन है कि आप फेलियर को बीयर कर जाते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो उसमें इमोशन इंटेलिजेंट आ जाती है जैसे आप स्टीव जॉब्स की एग्जाम्पल ले लें स्टीव जॉब्स को नाइनटीन में

इमोशनली वो डिप्रेस नहीं हुए यानी आप अपने गोल के साथ रहते हैं तो साइंस सबसे बड़ा है कि आप फेलियर को बर्दाश्त कर जाते हैं आजकल है। अगर आप लोगों को देखें तो ये फेलियर को बर्दाश्त नहीं करते वो एक्सक्यूज स्टार्ट कर देते हैं उसका मसला है उसका मसला है उसका मसला है फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी एक बात चल रही थी एक एक स्टूडेंट से वो एक जगह पे जॉब कर रहे थे वो कहते हैं हमारी कंपनी में कोई कोई क्रिएटिव बंदा नहीं है कोई इस तरह का बंदा नहीं जो मुझे ना समझे जो मुझे समझ नहीं रहा तो मैंने कहा जो क्रिएटिव बंदा नहीं है तो उसी में तो आपकी जरूरत है <laughs> तो क्योंकि आप क्रिएटिव हैं अगर वो सारे क्रिएटिव होते तो आपकी जरूरत ही ना होती hmm. आप क्रिएटिव हैं तो आपकी वहां पे मार्केट है आप अपने मार्केट बनाए

क्या क्या है अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बनते और कोशिश नहीं करते उसमें सबसे बड़ा नुकसान है कुछ तो वो कैसे सीख पाएगा इमोशनली वो डिस्टर्ब हो गया वो अपने एक लेवल जो मेंटेन करना था उससे नीचे आ गया तो अब उसने वापस उस लेवल पे जाना है अगर नहीं जाता तो वो लर्न नहीं कर सकता दुनिया के साथ नहीं रह सकता डिप्रेशन में लोग क्यों चले जाते हैं वजह ये होते है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप वापस उस स्टेज में नहीं आते जहाँ पे आपको आना चाहिए सही। तो यही एक जो डेली में में मतलब लाइफ को अफेक्ट तो करता है कुछ लोग काम नहीं करते रोजमर्रा के आपने देखे होंगे बिल्कुल ठीक होंगे हर चीज ठीक होगी सिर्फ मसला कहाँ पे होगा माइंड पे मसला होगा इमोशंस पे मसला होगा वो बाहर जाके अपना कोई काम ढूंढ नहीं सकते पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है हाँ। मेरी गली ठीक नहीं है मेरा मोहल्ला ठीक नहीं है <laughs> है ये सारे excuses हैं जो तो अगर emotionally strong है, अगर इमोशनली वो कहेगा कि नहीं मेरे साथ ये मसले नहीं है मैं उठ जा के जाके अवेयरनेस अगर उसे आती है तो वो सारे काम कर सकते हैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हिम्मत है तो पैदा कर फिर दो से बरी अपना तो अगर फिर दो से बरी अपना पैदा करना है तो हमें अपने ज़ात के साथ और अपने रब के साथ भी अपना कनेक्शन मज़बूत करना दिकर है ताकि जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम बिल्कुल सही जगह एड्रेस कर सके। मैं आपसे जानना चाहूंगा कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जा सकता है कनेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी कनेक्शन कैसे बिल्ड करना से ही हमने कि बढ़ेगी ऐसे ही uh, देखिए इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल टूल देखिए जो दारो मदार है वो एक चीज़ के ऊपर है वो फोकस के ऊपर है कि आपका फोकस अपने ऊपर है कि नहीं है बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल देता हूँ यानी कि मूसा जब बनी इसराइल के साथ जा रहे थे और फिरौन के लश्कर उसका ताकुब कर रहा था और जब वो गए और सामने जाके दरिया आ गया और जनाब पीछे फिरौन के लोग हैं तो मूसा के लोगों ने कहा कॉल असहा इन आलम उदरकून कि मूसा हम तो पकड़े गए हम अब क्या करें आगे दरिया है पीछे फिरौनी है मतलब हम क्या करें हम तो फंस गए मूसा सलाम का फोकस इस बात पे नहीं था कि पीछे ये आ रहे हैं और ये लोग मुझे क्या कह रहे हैं उनका फोकस इस बात पे था कि ये जो मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने दिया है ये मेरा है उनका फोकस अल्लाह के ऊपर था और उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ उसको दरिया में मारा और दरिया जो है वो मेरिकल हो गया यानी फोकस आपका होना चाहिए सही आपका फोकस अगर इस बात पे है कि हाँ यार ये मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ ये नहीं कि इसने मुझे क्या बात की है बिल्कुल मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ मेरा फोकस इस चीज़ पे अच्छा मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूँ मैं इस वजह से फील कर रहा हूँ अच्छा अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए बल्कि मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए तो फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है अब फोकस कैसे इनक्रीज करें सवाल ये अल्लाह तला ने कुरान में कहा कि याजीना अमस्तिन बेसबरी व सौलात ईमान वालों सबर और नमाज से मदद लो सबर को फिलहाल मैं नहीं डिस्कस करता नमाज के ऊपर आते हैं नमाज फोकस कैसे बढ़ा रही है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जवाब आप जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपको ख्याल आते, है आते? आते हैं या नहीं आते ज्यादा आते हैं बहुत ज्यादा यानी हम के, हम आमतौर पर यह सुनते हैं कि जी मुझे नमाज में ख्याल बहुत आते हैं मुझे बताए कि मैं क्या करूँ या नमाज में आप खड़े होते हैं कहते हैं ना कि हर तरह के ख्याल नमाज में ही आते हैं ठीक है अब नमाज में आप जब खड़े होते हैं तो आपको सौ तरह के ख्याल आ रहे हैं इधर से भी ख्याल आ रहे हैं ये भी आ रहा है अच्छा यार मैंने फलाना जगह फल मेरा इंतजार कर रहा है पीछे बेगम इंतजार कर रही है ये हो रहा है वो हो रहा है मतलब आपको हर तरह के ख्याल आते हैं और पकड़ भी आपको पता है ख्याल आने पर नहीं है अगर आपने किसी ख्याल को फोकस किया उस पे पकड़ है तो अब नमाज आपको क्या सबक दे रही है आपका फोकस कैसे बढ़ा रही है कि सौ तरह के ख्याल आ रहे हैं लेकिन आपने उस पर फोकस नहीं, नहीं करना मैंने फोकस करना है अपनी नमाज के ऊपर मैंने फोकस करना है अपने क्रिएटर के ऊपर अपने कनेक्शन के ऊपर तो मैं पांच वक्त नमाज पढ़ा नमाज मेरा फोकस इनक्रीज कर रही है दूसरी चीज ये कि सेल्फ कंट्रोल कैसे बेहतर करना है सेल्फ अवेयरनेस तो ऐसे बेहतर होगी आपने ये किया सेल्फ कंट्रोल कैसे बेहतर करना है सेल्फ कंट्रोल को अगर समअप करें बिकॉज मैंने आपको बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जो फंडामेंटल है जो जड़ है वो क्या है वो है अपने आप को कंट्रोल करना अपने

हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना कल इमोशनली इंटेलिजेंट था आज मैं उससे थोड़ा ज्यादा हो गया आई एम वर्क इन प्रोग्रेस मैं yes. बेहतर होता जा रहा मैं इमोशनल इंटेलिजेंट कल कम था आज ज्यादा हो गया हूँ तो अगर मैं कॉन्स्टेंटली इस कोशिश में लगा हूं, तो अल्लाह तला कह रहे हैं कि यू आर सक्सेसफुल आप इस कोशिश में लग गए आप hmm. इस ट्रैक पे चढ़ गए तो यू आर सक्सेसफुल तो अल्लाह की नजर में आप कामया अल्लाह की नज़र में आप कामयाब है अब नफ़ के अल्लाह ने फिर कुरान में कहा जी कि

हाँ। आपका एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता एक्सरसाइज करें करें राइट आपका कोई बंदा आपको बड़े बुरे तरीके से बोलता है आपको उसको रिस्पोंड करने का दिल करता है आपको रिस्पॉन्ड ना करें हाँ। यही तो टेस्ट है है, तो है, सही है बिल्कुल जो स्टार्ट में आपको मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान की कमजोरियां बयान की और बाद में कहा इंसान वो यही तो बात है कि आपकी वीकनेसेस आपको बता दी लेकिन आपको टारगेट भी बता दिए कि आपका टारगेट क्या है यही तो चैलेंज है गुस्सा करना तो आसान है तो कोई बंदा आगे उसको रिस्पॉन्ड करना तो आसान है मेरे लिए वैसे रिस्पॉन्ड करूँ लेकिन बहादरी तो ये है कि मैं उसको ना एंड दैट इज नॉर्मल

अपनी चीजों को अपने इमोशंस को कंट्रोल खुद कर सकता था exactly. ना कि मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल करते इन द पास्ट बट नाउ आई एम आल्सो वर्किंग प्रोग्रेस एक्जेक्टली आई एम आल्सो लर्निंग वी आर वी ऑल आर हम सब हैं। हम सब बिल्कुल सही थैंक यू अह सबाहुद्दीन प्लीज इस सब चीजों में ये हमारा आ गया कि हमने इस्लामिक तौर पे स्पिरिचुअली इसको समझा है इसका कोई साइंटिफिक

अब बटरफ्लाई ने अंडा खुद तोड़ना था जी। लेकिन हम उसने बाहर से कोशिश कर दी अगर वो अंडा अंदर से तोड़ती तो क्या होता वो जो खून था उसने जाना था हर जगह पे उसके रग रग में जाना था और रग रग में शामिल हो जाता तो उसने जिंदा रहना था लेकिन जब उसने अंडा बाहर से तोड़ दिया तो वो रग रग में गया ही नहीं खून और वो जिंदा हुआ ही नहीं अब इसको साइंटिफिकली आप कह रहे हैं कैसे जैसे जहन ने कहा सुबह उठने का दिल नहीं करता लेकिन सुबह उठे उठे मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ सुबह उठे उठ के नमाज पढ़े <laughs> नमाज के बाद एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करते हुए जब आपका खून आपके रग रग में पहुंचता है तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है <laughs> और ये तजर्बे तो से आप बोल बोलते हैं ये आपकी जब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है आपको पता चलता है कि मैंने किन चीजों के ऊपर काम करना है किन चीजों के ऊपर काम नहीं करना कहाँ पे मैंने कंट्रोल करना है और इस तरह आप आगे आगे जाते जाते हैं अब दुनिया में जितने लोग आगे बढ़े हैं सक्सेसफुल हुए हैं उनकी सबसे बड़ी सुबह सुबह थे नमाज पढ़ते थे उसमें वो बुक में कहता है औरत की स्टोरी बता रही थी वो सुबह उठ के बाइबल पढ़ती है अब उनको बाइबल पढ़ने का हुक्म नहीं है लेकिन हमें कुरान पढ़ने का हुक्म है हम सुबह उठ के वो तिलावत नहीं करते उसके बाद वो यानी अपनी इबादत करती है अगर हम अपनी इबादत करना स्टार्ट कर दें और रात को जल्दी सो जाएं तो सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है फिर दूसरी जगह पे आता है कि अब आपने दूसरी कहा कि साइंटिफिकली जो आप बता रहे थे देखिए छोटी छोटी बातों में आपकी इमोशनल आप नजर आते हैं जैसे आप किसी घर मेहमान चले जाएँ वहां पे अगर कोई भिंडी पकी हुई है तो आप कहते हैं मैंने नहीं खानी मेरा दिल नहीं कर रहा अब वहां पे आप डिमांड नहीं कर सकते आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन है क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकल आए और वहां पे भी हम डिमांड करते हैं कि मैं आज कबाब खाऊंगा मैं भिंडी नहीं खाता ठीक है हम किसी आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं किसी हो, होटल में जाके रहते हैं खाना पसंद नहीं आता वो बाहर से खाते हैं वहाँ पे आपका इम्तिहान है कि आपने खाना वही खाना है जो वहाँ पे अवेलेबल है वेलेबल क्योंकि वेलेबल हो सकता है कल को ऐसा कोई मरला आ जाए वहाँ पे आपको खाना ना खाना पड़े या पे आपको खाने के बगैर जाना पड़े हमें रमजान के रोजे में क्यों हमें हम पेट की वो जो है उसकी कम कर ले तो हम इसके ऊपर काम नहीं करते फिर लोगों को लेजीनेस होती है लेजीनेस भी इमोशनल इंटेलिजेंट में आती है आप लेजिनेस की, लेजिनेस की है? क्योंकि आप, किसी किसी आप की क्यों क्योंकि किसी आपके ना कंफर्ट जोन में इसका आखिरी बताऊंगा ओवरकम कैसे कर सकते हैं है? है? देखें सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टेप यह है आप देखें आपको इमोशनली जो आप सारी चीजें चल रही हैं यानी आप सुबह उठ नहीं पा रहे लेजीनेस आ रही है अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे अब देखें कौन सी चीजें आपको ट्रिगर कर रही है किस वजह से हो रही है फॉर तो लेजीनेस है? है कौन सी ऐसी चीज है है जो ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से आप लेजीनेस के जोन में चले जाते हैं या कंफर्ट जोन में चले जाते हैं नंबर सेकंड चीज आपने सेंस करनी है उसको कि मुझे ये चीज हो रही है नंबर थर्ड आपने आपने उसको ओवरकम करना है आपने अपने माइंड में सोचना है कि नहीं स्टॉप अपने आपको बाकी आपने स्टॉप देना है स्टॉप करके आपने वापस एक प्लेयर मूवमेंट में आना है आपने स्माइल कर देना है आपने एकदम कॉन्शियस हो जाना है कि मैं अभी इस इस तरफ जा रहा हूं मैंने नहीं जाना और नंबर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि आप वापस सक्सीडेड हो जाएंगे अब आप वापस आ जाएंगे फिर डेली रूटीन अपने देखें क्या है सुबह उठ के जब एक्सरसाइज करें तो करते हैं सुबह उठ के ये काम करने है, से मिलना है, ये करना है बारह एक बजे ये, ये करना है और सिक्स ओ क्लॉक जब आपकी ये सारी रूटीन सेट हो जाती है तो लेजी खत्म हो जाती है मुझे तो इतने काम है अब एक बंदा मैं सुबह अभी अपने कोलीग से मिला वो सुबह साढ़े आठ बजे उठा और मैं क्या कितने बजे उठे वो कहता है नौ बजे उठाऊँ और मैंने कहा उसके बाद आज के दिन में क्या करना है कहता अभी जा <laughs> no plan, no yeah. है अभी के देखता अब अब नो प्लान बजे उठना यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे कॉन्शियसनेस की कमी है और यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट होने की कमी है ऐसे तो यही मेरे थैंक जैन बिन खाल आपका आज का जो इनपुट था इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कमाल का था सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें नाजरीन सीखने की ज़रूरत है समझने की ज़रूरत है सेल्फ़ अवेयरनेस उसके बाद सेल्फ कंट्रोल और तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपका कनेक्शन अपने क्रिएटर के साथ अपने रब के साथ कितना ज़्यादा मजबूत है तो इन चीज़ों पे अमल करके आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट कर सकते हैं आज की सारी अप्रोसीुट का फोकस हमने सिर्फ आपकी अपनी जात पे किया जबकि आगे आने वाले एपिसोड में इन ताला हम हाउ टू डील विद अदर्स मैनेजिंग अदर्स इनके ऊपर हम बात करेंगे इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ थैंक यू सो वेरी मच अल्लाह हाफि